वहाँ ज्ञान भक्ति और वैराग्य की अविरल धारा बहती रहती है। तो जिस तरह से शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से त्यागराज में त्रिवेणी संगम पर निष्प्रथा का श्रवण सोपान कर रहे हैं और आप लोग सभी भाग्यशाली हैं जो इस गंगार ग्राम में इस कथा का श्रवण सोपान कर रहे हैं। ऋषि मुनियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने, योगियों ने, तपियों ने, जपियों ने मानव कल्याण के लिए इन पुराणों की रचना की। ऋषि मुनियों को यही चिंता लगी रहती है कि इस मृत्यु लोक में मनुष्यों का कल्याण कैसे हो, किस तरह से वो इस भवसागर से पार कर पाए। तो आपने कल की कथा में सुना कि सती माता ने अपने आप को अपनी आहुति अग्निकुंड में अब अग्निकुंड में दे दी। आपने सुना वीरभद्र आए हैं, यज्ञ को विध्वंस किया है। जब यज्ञ विध्वंस हो गया तो सभी देवता त्राही त्राही मांग करते हुए शंकर भगवान के पास गए कि महाराज आपको ये यज्ञ तो पूर्ण करना ही होगा। भगवान आए हैं कंथल में, आज भी वह पुण्य स्थान है, आप कंथल जाओ तो वहाँ दक्ष प्रजापति के रूप में शिवलिंग का विकास है। जब वह पूर्ण हुआ तो क्या हुआ? अब जब यज्ञ दक्ष का पूर्ण किया भगवान शंकर ने तो अब वियोग सती के वियोग में तड़प रहे थे। पुराण में यहाँ तक वर्णन आता है कि भगवान शिव इतने व्याकुल हो गए सती के बगैर, सती के बिना अब उन्हें कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है। जब सती को वहाँ देखा तो उनका पार्थिव शरीर वो हाथ में लेकर भ्रमण कर रहे हैं और हे सती। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।